एक युवक ने शराब के नशे में चूर होकर अपनी नवविवाहिता पत्नी की रात के समय गला रेतकर हत्या कर दी और उसके बाद मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी परिजनों के द्वारा थाना बमहौरी कला पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम काकनपुरा गांव में आरोपी रविंद्र अहिरवार ने अपनी पत्नी 22 वर्षीय क्रांति अहिरवार की शराब के नशे में चूर होकर पहले मारपीट की और उसके बाद हत्या कर दी। क्या है आपके घर में, क्या हुआ? बच्चा ने बहू को मार दिया है ये आपको मालूम है? हाँ सर। कितने बजे मारा? जो सब 2:30 के लगभग मारो, लगभग में मारो। आप जाग रहे थे उसमें? नहीं सर, हम 1 बजे देख के बच्चा को बतका सुन के पढ़ रहे थे, सो गए थे। अच्छा, उसे आपको आवाज आई थी? काट रहा है? नहीं नहीं, आवाज़ नहीं आई सर। कैसी जानकारी लगी? जानकारी ऐसी लगी कि जो है वो लड़का आ रहा था, हम तो बताएं, और जो है हम तो लड़के काट से वो कोई काट नहीं सकता है, जो हमें विश्वास है लड़के काट सकता है। मामला ये है कि आज सुबह रिपोर्ट करी थी इसके ससुर ने, अंतु उर्फ आनंद राम ने बमोरी थाने में बताया फ़ोन करके कि इसकी बहू कांति बाई और इसके बेटे रविंद्र अहिरवार ने रात में मतलब मार डाला है। तो यहाँ एक पंचनामा निर्माण कार्रवाई हुई है, जो कार्रवाई है हो रही है, और इसके बेटे ने उसको मार दिया। ये मारा कैसे है सर? ये माल था हथियार मिला? देख लिया, अभी हथियार कोई नहीं मिला है सर। तो उसे पकड़ा जाएगा तो पूछते हैं क्या मिलता है। अंतर्गत कनकपुरा ग्राम में एक महिला है क्रांति अहिरवार, जिसकी मृत्यु की सूचना मिली थी। तो अभी घटनास्थल का निरीक्षण किया है, तो यहाँ पे संबंधित भौतिक साक्ष्यों को यहाँ पर दर्ज कराया गया है, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो ये कटा कैसे है सर? उसको काटा है कि मारा है कि पीटा है, किस चीज़ से? अभी तक जो दिख रहा है प्रथम दृष्टया यही समझ में आ रहा है कि गला किसी प्रकार के कोई शार्प कट जैसा लग रहा है, और बाकी पीएम कथा डॉक्टर हैं, इस बात को तथ्य को स्पष्ट करेंगे, उसका निरीक्षण।